प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप देख रहे हैं टैरो राशिफल विद सुनिधि। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 फरवरी यानी कि 7 फरवरी की राशिफल के बारे में। सबसे बात करते हैं लव टिप। अब लव टिप, लव रिलेशनशिप हर इंसान के एक दूसरे के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, हस्बैंड वाइफ के होते हैं, भाई बहन के होते हैं, प्यार जो है आपके मन में, लव जो है सबके लिए हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे खासकर संतान की। तो अगर आपके अपने रिश्ते अपने बच्चों के साथ आपके अच्छे नहीं हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने संतान के साथ आपको लगता है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप नहीं शेयर करते हैं, बच्चों के साथ आपके संबंध इतने अच्छे नहीं हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इसका रिलेशनशिप होता है बृहस्पति के साथ। अब बृहस्पति के साथ हम भगवान कृष्ण को जोड़ते हैं, तो आपको बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण को आपको हल्दी का तिलक लगाना है, और खासकर हर बृहस्पतिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाके आपको प्रेयर करनी है। आपको मन में विचार रखना है कि आपके आपके बच्चों के साथ रिश्ते जो हैं अच्छे हो गए हैं, और इसको कंटिन्यूस आपको 3 मंथ्स के लिए करना है, 3 महीने के लिए करना है। तो आप देखेंगे 3 महीने के बाद रिलेशनशिप आपके बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं टैरो राशिफल की, शुरू करते हैं मेष राशि से। एरिस राशि वालों, आपके लिए कैसा रहने वाला है 7 फरवरी का दिन? आपके लिए कार्ड आया है हैंगमैन और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कहता है दिन आपका आज इतना अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं परेशानी वाला है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस एक क्रिएट हो सकता है, फैमिली में चल रही प्रॉब्लम्स आप पे हावी हो सकती हैं। आपको थोड़ा सा दूर रखना है अपने आपको नेगेटिव लोगों से, उन लोगों से जिनसे बात करके आपको अच्छा नहीं लगता, वो लोग आपको अपनी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आज हो सकता है आप किसी और की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाए और फ्री में आपके दिमाग में टेंशन आ जाए, तो थोड़ा सा लोगों से दूर रहिए, उन लोगों से जिनसे आपको ऑलरेडी अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती है। आज के दिन बॉस के साथ भी अनबन हो सकती है, अपने कोलीग्स के साथ भी ऐसा की अनबन हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान से रहना है, जुबान को थोड़ा मीठा रखना है, गुस्से में नहीं रहना है, थोड़ा प्यार से रखना है, और दिन की शुरुआत दही शक्कर खा के करनी है। वृषभ राशि वाले टॉरस, आपके लिए कहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, काफी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, और 5 ऑफ कप्स कहता है कहीं ना कहीं आपके मन में अपनी लाइफ आप लोगों से कंपेयर भी करेंगे, आज एफर्ट काफी लगाने पड़ेंगे, पर साथ में आपका मन थोड़ा सा कंपैरिजन में जा सकता है। आपको लग सकता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप अपनी सक्सेस को अपनी फेलियर को लोगों से कंपेयर कर सकते हैं, जिसके कारण बेवजह अपने दिन को आप खराब कर सकते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या आपके साथ जुड़ सकती है, गले संबंधित या हेडेक ऐसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। आपको दिन की शुरुआत 108 ओम नमः शिवाय के जाप से करनी है। तीसरी राशि मिथुन राशि, जेमिनाइज आपकी बात करें तो पेज ऑफ वांड्स बहुत दिन अच्छा है, कई नई शुरुआत के लिए, नए काम के लिए, कोई नया करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, कोई नई खरीदारी के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज कोई यंग इंसान भी आपकी मदद कर सकता है, बच्चों के साथ रिलेशनशिप आज आपके इंप्रूव हो सकते हैं, उनके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं, दिन आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आज आपको किसी जरूरतमंद को कुछ पीले फ्रूट का फल का आपको दान देना है। चौथी राशि कर्क राशि, कैंसेरियंस आपके बारे में बात करेंगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, फाइनेंशियल स्थिति इंप्रूव होती हुई दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, आज के दिन पैसे जो है आपके पास आ सकते हैं, कई नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति आज आपकी अच्छी जाएगी, दिन आपका अच्छा रहेगा, पर साथ ही साथ हेल्थ में भी थोड़े पैसे आज लग सकते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आज आपके साथ जुड़ सकती है। आपको आज क्या करना है, आज आपको किसी बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को कोई स्टेशनरी का, कोई ऐसी पेंसिल बॉक्स के पेन ऐसा कोई दान कर सकते तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिफ्थ राशि यानी कि हमारी सिंह राशि के बारे में बात करें, लियो राशि के बारे में बात करें, तो आपके लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, 5 ऑफ वांड्स कार्ड आया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आज के दिन आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ भी कहीं ना कहीं आपका थोड़ी सी बहसा बसाई हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपनी थोड़ी सी आपको वाणी को थोड़ा मिठास लेके आने की जरूरत है। तो आज का दिन आपका थोड़ा सा गुस्से में हो सकता है, ईगो को अपने पे हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि आज मैं ज्यादा हो सकती है, यानी कि आज आपका ईगो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है। आपको क्या करना है, 21 टाइम्स ओम चैंटिंग के साथ दिन की शुरुआत करनी है। वर्गो राशि कन्या राशि आपकी बात करें तो आपके लिए दिन आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स और साथ में क्वीन ऑफ कॉप रिवर्स, तो आज के दिन इमोशनली बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, कहीं ना जो काम करने की सोचेंगे उसमें कहीं ना कहीं अड़चने आएंगी, थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, इमोशनली जो है आज आपका दिन इतना अच्छा नहीं जाएगा, इमोशनली थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, किसी ऐसी कोई खबर मिल सकती है जो आपको थोड़ा सा दुखी कर दे, या अपनी अपनी फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं दरार आ सकती है, दोस्तों के साथ थोड़ी दरार आ सकती है, थोड़ी सी रिलेशनशिप थोड़े से खराब हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इमोशनली। आज थोड़ा सा मेंटल हेल्थ आपकी इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, आपको क्या करना है, आज दिन की शुरुआत ही एक बकेट में, एक जो नहाने वाली बाल्टी होती है उस बकेट में 2 चम्मच नमक डालिए, पानी डालिए और फिर नहाइए, आपका ऑरा भी क्लेंज हो जाएगा और दिन थोड़ा बेहतर हो जाएगा।
इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। लिब्रा तुला राशि वालों, आपकी बात करें तो कार्ड 3 और पेंटिकल्स आया है। ग्रोथ का दिन है, काम में बढ़ोतरी होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ग्रो कर सकती है। आज आपके काम के बारे में अच्छी बातें होंगी, लोग पीठ भेजे भी आज आपकी तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। तो आज आपका काम जो है अच्छा रहेगा, आपका दिन अच्छा रहेगा, तो आपका दिन अच्छा रह सकता है, आपका काम भी अच्छा रह सकता है और आपको अच्छी ग्रोथ जो है आज मिल सकती है। तो दिन आपका अच्छा रहेगा और ग्रो करता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आज आती हुई दिख रही है। आपको आज क्या करना है, आज आपको भगवान शिव को चंदन अर्पित करना है। अगली राशि के बारे में बात करते हैं हम, स्कॉर्पियन यानी कि वृश्चिक राशि आपके बारे में बात करें। कार्ड आया है स्टार और साथ में आया है 3 of Swords। तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा तनाव आपके साथ चल रहा है वो आज खत्म होने जा रहा है, किसी ने आपके पीछे बात की और पता लग जाए। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई रास्ता आज आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलने का मिल सकता है। तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही बदलाव भरा रहेगा, आज आपको हो सकता है किसी का सही चेहरा दिख जाए, आज हो सकता है कि जो पीठ पे जो बात कर रहा था आपके सामने आ जाए। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपको क्या करना है, संध्या गाने बजरंग बाण का पाठ करना है। अगली राशि के बारे में बात करेंगे, धनु यानी कि सेजिटेरियस, आपके लिए दिन कैसा, टैरो कार्ड्स कह रहे हैं 8 of Swords, थोड़ी सा बंधा दिन रहेगा, लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, एक सिचुएशन में स्टक महसूस होगा कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कहीं समझ नहीं लग रहा है कहाँ जाएं। धनु राशि वालों, आज आपको लगेगा कि आप अपने करियर में, अपने घर में ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिसमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, फ्यूचर को लेकर काफी आज तनाव आ सकता है। तो आज का दिन थोड़ा सा बॉन्डेज वाला लग सकता है, किसी सिचुएशन में फंस सकते हैं ऐसे, थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा आपको क्या करना है। आज आपको अगर दिन की शुरुआत कर सकते हैं तो 108 ओम नमः शिवाय के साथ करनी है। अगली राशि हमारी मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए 2 of Pentacles आज आया है खासकर, तो हो सकता है कि बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करें, आपको लगे ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो बहुत मल्टीटास्किंग आज नहीं करनी है। जितने मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करेंगे उतना आज दिन आपका और डिफिकल्ट होता जाएगा। एक काम एक टाइम पे कीजिए, बहुत सारी चीजें एक साथ मत पकड़िए, इससे आपका जो मानसिक संतुलन हिल जाएगा। थोड़ा सा एक काम पे फोकस करिए और फिर आपका दिन देखिएगा थोड़ा सा बेटर होता हुआ दिख रहा है। हरमिट नया कुछ काम कर सकते हैं, कोई नया रास्ता आपके सामने खुल सकता है, कहीं ना कहीं ऐसी गाइडेंस मिल सकती है जो आपके लिए बहुत अच्छी रहे, बाकी दिन आपका मिला जुला रहेगा। मकर राशि वाले, आपको क्या करना है, आपको आज दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। इक्वेरियंस आपकी बात करें, इक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि वालों, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई फीमेल की मदद, फीमेल से पैसों की मदद मिल सकती है, कोई फीमेल आपकी प्रॉब्लम आज सॉल्व कर सकती है, कोई फीमेल आपके लिए एक बड़े गाइड के रूप में आ सकती है, कोई फीमेल आपके कोई पैसों से संबंधित प्रॉब्लम खत्म कर सकती है, फीमेल बॉस है तो प्रमोशन भी दे सकती है। तो आज का दिन किसी फीमेल की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत रहेगी, माँ का आशीर्वाद देना मत भूलेगा, यही उपाय है आपके लिए कि दिन की शुरुआत माँ के आशीर्वाद से कीजिएगा, उनको कोई भेंट स्वरूप कोई चीज दे सकते हैं तो और भी बढ़िया रहेगा। आखिर राशि मीन राशि, पाइसेंस, आपके लिए दिन कैसा रहने वाला है, बात करें एम्प्रेंस तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया कार्ड आया है, दिन बहुत अच्छा है, आज के दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपको काम के फल मिलते हुए दिख रहे हैं, किस्मत साथ देती हुई दिख रही है, मन के मुताबिक चीजें होंगी, सफलता प्राप्त होगी, दिन अच्छा है, आर्थिक स्थिति में लाभ होगा। आज के दिन मदरहुड के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों से बहुत प्यार मिलेगा, आज के दिन आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है, बहुत बढ़िया दिन दिख रहा है, सब चीज़ आपकी अच्छी होगी, दिन आपका अच्छा जाएगा। आज दिन किसी फीमेल का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, आपके लिए भी यही कहूंगी, अपनी माँ का, अपनी बहन का आशीर्वाद आज जरूर लीजिएगा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, उनको भेंट स्वरूप जरूर कर दीजिएगा। ये था मेष मीन राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन टैरो कार्ड्स के थ्रू। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो देखने के लिए, एस्ट्रो तक से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।